ही बेहतरीन लाइटिंग और बहुत ही उम्दा साउंड के साथ हमारा पुष्पा डांसिंग रोबोट इस परफॉर्मिंग ये मूव कर रही है, यानी गिर गए पुष्पा डांसिंग रोबोट। हमने इनको फिर से उठाकर खड़ा कर दिया। बहुत ही शानदार परफॉर्म कर रहे हैं पुष्पा डांसिंग रोबोट। ये रोबोट के सर पे एक फैन घूम रहे हैं, जो आप देख सकते हो ये फैन घूम रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि 4 साल से कम की उम्र के बच्चे को ये खिलौने के साथ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि बच्चे ने अगर हाथ लगा दिया तो उससे चोट पहुंचती है। मेरा जो नन्ना मुन्ना 4 साल से कम की उम्र के बच्चे हैं, वो क्या नहीं देखेंगे? मेरे दोस्त देखेंगे, जरूर देखेंगे, और देखेंगे लेकिन इसको छुएंगे नहीं, वो देख के इसका लुफ्त उठाएंगे यानी मजे लेंगे। लेकिन मेरे बच्चों ज्यादा देर तक दुनिया की देखना हानिकारक है। थोड़ा एंटरटेनमेंट लो, बाकी के समय पढ़ाई करो, लोगों के साथ मिलो, बातें करो। रोबोट फिर से 360 डिग्री घूम गए। बहुत ही शानदार लाइटिंग। ये है हमारा अगला खिलौना, यानी डीफॉर्म वॉरियर रोबोट। डीफॉर्म मतलब जो एक आकार से दूसरे आकार में जाने को लिए होते हैं डीफॉर्म। डीफॉर्म कैसे? जैसे बर्फ गल के पानी हो जाते हैं, तो वो डिफॉर्म होते हैं सॉलिड से लिक्विड। चलो जल्दी से इसको अनबॉक्सिंग करके देखते हैं इसके अंदर क्या मिलता है हमें। नथिंग लेफ्ट इन द बॉक्स, यानी बॉक्स में कुछ नहीं है। ये गाड़ी है, इसको कहते हैं वॉरियर रोबोट। वॉरियर मतलब योद्धा होते हैं ये रोबोट बन जाने वाले हैं। तो चलो जल्दी से इसको चालू करते हैं। शानदार लाइट और बहुत ही उम्दा खिलौना, कितना सुंदर डिफॉर्म होके गाड़ी से ये रोबोट बन चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं ये गाड़ी से रोबोट बन चुके थे, अभी फिर से गाड़ी हो गए, इसलिए उसको कहते हैं डिफॉर्म। के एक फॉर्म यानी एक आकार से दूसरे आकार में चले जाना, इसको कहते हैं डिफॉर्म होना। ये गाड़ी और ये गाड़ी हो जा रहे हैं ट्रांसफॉर्म होके क्या बोलो रोबोट, यानी ये एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मर टाइप है जो हम लोग जानते हैं। ये रोबोट हो गया, बहुत ही उम्दा लाइटिंग और बहुत ही बेहतरीन साउंड क्वालिटी के साथ ये गाड़ी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और हम देख सकते हैं कि गाड़ी जो है अभी बहुत ही शानदार लग रही है मूव करते हुए।